गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम रूबीना दिलैक के बारे में। जी हाँ, रूबीना दिलैक की अगर हम बात करें तो उनको लेकर काफ़ी खबरें आती रहती हैं कि वो बहुत ही जल्द एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और बहुत ही जल्द फैंस के सामने उनका वो नए झलक आने वाली है। उस प्रोजेक्ट के लुक में आप उन्हें देखने वाले हैं, कैसा वो प्रोजेक्ट होने वाला है और कैसा उनका गेटअप होगा, कैसा उनका लुक होगा, इसको लेकर फैंस काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अपोजिट कौन नज़र आएगा और कोई उनके पॉपुलर शो का सीज़न 2 होने वाला है, यानी कि कोई डेली शो पाएगा या फिर किस प्रोजेक्ट के जरिए वो नज़र आएंगे। ऐसे कई सारे तमाम सवाल हैं जो कि फैंस जानना चाहते हैं, जिनके जवाब तो आपको बता दें। जैसे ही कोई खबरें मिलती रहती हैं आप तक पहुंचती रहती हैं, सो जुड़े रहिए साथ में और आपको बता दें। जैसा कि आप जानते होंगे, रूबीना दिलैक की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है, इस टाइप पर सुर्खियों में वो बनी हुई हैं। तो जी हाँ, वो अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरों में बनी हुई हैं। और बता दें आपको, खबरों की माने तो रूबीना दिलैक बहुत ही जल्द वापसी करने वाली हैं डेली शो में। जी हाँ, उनका डेली शो बहुत ही जल्द नज़र आने वाला है। कहा यह जा रहा है कि एक नए अंदाज़ में, नए लुक में नज़र आने वाली हैं। सो फिर उनका एक नया शो होने वाला है, तो कौन सा वो शो होगा जिसमें वो नज़र आएंगी और क्या शो का टाइटल डिसाइड होगा, किस तरीके की शो की स्टोरी होगी और कैसा उनका लुक होगा, और सबसे बड़ी बात कि आखिर उनके अपोजिट कौन नज़र आएगा। अगर उनका कोई नया डेली शो आ रहा है तो फिर उनके अपोजिट कौन नज़र आने वाला है, क्या वो अभिनव शुक्ला के अपोजिट नज़र आने वाली हैं। क्योंकि बता दें आपको, बीते कुछ टाइम से पहले ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आ रही थी कि अभिनव शुक्ला के साथ रूबीना दिलैक काम कर रही हैं। सो ऐसे में वो प्रोजेक्ट रिलीज हुआ जो कि सॉन्ग आप लोगों ने सभी ने सुना ही होगा। तो ऐसे में अब एक बार फिर से खबरें आ रही हैं, तो क्या फिर वो अभिनव शुक्ला ही होने वाले हैं उनके अपोजिट, या फिर कोई और एक्टर होगा जो कि रूबीना दिलैक के अपोजिट नज़र आएगा। बता दें, अगर देखा जाए तो शरद मल्होत्रा तो हमेशा से सुर्खियों में बने ही रहते हैं नए टीवी शोज़ को लेकर, और बैक टू बैक हिट शो वो देते रहे हैं। फिर विवेन डिसना भी नज़र आ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको बता दें वो सिर्फ तुम शो में नज़र आ रहे हैं। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर उनके अपोजिट नज़र कौन आता है। अपनी कमेंट्स के जरिए अपनी राय ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कराना भूलना। थैंक यू for watching।